से आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हूँ और आज बात करेंगे डेली यूजेस सेंटेंसेस की। क्या बेटा? डेली यूजेस सेंटेंसेस। और ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और मैंने बताया था आपको कि बेटा मैं आप लोगों को कितने सेंटेंसेस, 500 सेंटेंसेस याद करवाऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस है वो कहीं भी आप बोलते रहते हो, हिंदी में बोलते रहते हो, आप जब इंग्लिश में आ जाएंगे तो इंग्लिश में बोलते रहना। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन बनेगा, कहीं भी जाओगे गाँव में कहीं भी तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलिए जिससे लोग आपको सोचेंगे कि नहीं भाई पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी बेहतरी के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए तो पहला शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला सेंटेंस आपके सामने ये आ रहा है। तो चलिए बेटा पहला सेंटेंस आपके सामने, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या हुआ? अक्सर बोलते हैं आप लोग, सब आपसे कुछ हो गया आपको तो सामने वाला क्या बोलता है, क्या हुआ? आप अक्सर बोलते रहते हो किसी से भी, अपने दोस्तों से, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, व्हाट हैपन। आप क्या बोलेंगे, व्हाट हैपन। और यदि ऐसा हुआ कि क्या होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां हैप्पी वर्ब लगा देंगे विल, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन। और क्या हो रहा है ऐसा आ गया तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग, इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। इस तरह से अगला आपके सामने है बेटा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इट विल बी सो, ऐसा ही होगा, इट विल बी सो। और यदि हम कहें कि ऐसा ही है तो इट इज सो, इट इज सो। और ऐसा ही था तो क्या हो जाएगा, इट वॉज, इट वॉज सो, इस तरह से बन जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं, याद हुआ सबको? क्या करेंगे, यदि ऐसा ही होगा तो इट विल बी सो, ऐसा ही है। कई बार बोलते हैं अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही होगा, ऐसा ही था, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तीनों में बता दिया मैंने आप लोगों को, आगे बढ़ रहे। अगला मीनिंग आपके, अगला सेंटेंस आपके सामने बेटा, अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है समझ लीजिए। अगला सेंटेंस बोल रहा है जो अक्सर आपको बोला जाता है, क्या तुम निकम्मे हो, क्या है सेंटेंस, देखिए तुम निकम्मे हो। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू आर ब्लैक शिप, क्या बोलेंगे, यू आर ब्लैक शिप। अब किसी को भी ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे, यू आर ब्लैक शिप, तुम निकम्मे हो, काम काज नहीं करते, बैठे रहते हो फ्री में, तो उसको बोलते हैं यू आर ब्लैक शिप। अगला आपके सामने बेटा, क्या तुम्हें पक्का पता है, क्या तुम्हें पक्का पता है, तो क्या बोलते हैं, आर यू श्योर, क्या बोलेंगे बेटा, आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का पता है, क्या उसे पक्का पता है, ऐसा हो गया, क्या उसे पक्का पता है, तो क्या बोलेंगे, इज ही, क्या बोलेंगे, इज ही श्योर, भाई ही आ गया, ही के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज लगा दिया हमने, सी होगा तब भी इज लगेगा, क्या उन्हें पक्का पता है, तो क्या हो जाएगा, आर दे श्योर, इस तरह से बन जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहे। दोनों ये मीनिंग, ये सेंटेंस दोनों सबको याद हो गए होंगे, क्लियर, कॉपी में लिख लिया करो, समझ लिया करो, समझा मैं दूंगा, कॉपी में लिख लिया करो, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कहां, बी लीड्स इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लेना, जाके देख लेना, पीडीएफ डला है, उसका कोई चार्ज नहीं देना है, चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे उससे नोट कर लो कॉपी में, वैसे नोट करो तो ज्यादा अच्छा है। और रोज आप कब, सोने के बाद और जगने के पहले उसको रोज पढ़ो, कब, सोने के बाद और जगने के पहले, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, मतलब सपने में जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सपने में दिखना चाहिए आपको। सेंटेंस बोलते हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है, ऐसे सेंटेंस आपको सपने में दिखने चाहिए। यहां देखिए, यहां सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारी करतूत है, कुछ हो जाता है ना तो हमसे बड़े क्या बोलते हैं, ये सब तुम्हारी करतूत है, तो इट्स ऑल योर डूइंग, क्या बोलेंगे, इट्स ऑल योर डूइंग, इस तरह से हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ कि वो सब उसकी करतूत है, वो सब उसकी करतूत है, तो क्या हो जाएगा,
इट्स ऑल हिज डूइंग, इट्स ऑल हिज डूइंग, हर डूइंग, देयर डूइंग, इस तरह से बदल जाएगा सब्जेक्ट और उसके हिसाब से पजेसिव केस के हिसाब से। बात समझ में आई सबको? आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है सेंटेंस, दफा हो जाओ यहां से। अक्सर यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं, रोज सुनने को मिल जाता है आप लोगों को, हर क्लास में सुनने को मिल जाता होगा, दफा हो जाओ यहां से। तो क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्या बोलेंगे बेटा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दफा हो जाओ यहां से। यदि मैंने कहा कमरे से दफा हो जाओ, तो गेट फ्रॉम, गेट ऑफ फ्रॉम दिस रूम, या गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस रूम, गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस हाउस, इस तरह से बोल सकते हैं। बोलो ये दोनों याद हुई सबको, यस और नो, क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे बेटा, सोना नहीं, जगते रहना और एकदम अलर्ट रहना, और इनको मीनिंग को, सेंटेंस को समझते जाना, जो भी मैं मीनिंग बता रहा हूं उनको भी समझते जाना, सेंटेंसेस को भी समझते जाना, याद करते जाना, और कब बोलना है वो देख लेना अपने हिसाब से, बाकी बोलते जाना है, बोलता है अपने दोस्तों से, क्लास में बोलना है, घर पे इसकी प्रैक्टिस करना है, अच्छा समय आएगा तभी, अच्छा समय आएगा, ठीक है, अच्छा समय आएगा। अगला सेंटेंस है, तो क्या बोल रहा है ये, कि बेटर टाइम विल नोक, नोक मतलब खटखटाना, मतलब भाग्य आपका गेट खटखटाएगा, आएगा कि आ जाऊं कि नहीं। तो ये कब होगा, जब अच्छा समय आएगा, और अच्छा समय कब आएगा, जब आप लोग मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तब अच्छा समय आएगा। कि बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। मुझे देर हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे देर हो रही है, अगला सेंटेंस, तो बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट, क्या होगा बेटा, आई एम गेटिंग लेट, और ऐसा हो कि उसे देर हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग लेट, ही लग जाएगा आई की जगह, और यदि सी होगा तो सी लग जाएगा, यू होगा तो यू लग जाएगा, दे होगा तो दे लग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ही इज गेटिंग लेट, दे आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, इस तरह से हो जाएगा। और यदि पास्ट में आ गया, यहाँ है की जगह था आ गया, तो क्या हो जाएगा, वी वर गेटिंग लेट, हम देर, हमें देर हो रही थी, और आई वॉज गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही थी, ही वॉज गेटिंग लेट, उसे देर हो रही थी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, गेटिंग यहां लगाते हैं जब ऐसा बोलते हैं, देर हो रही है। बोलो दोनों सेंटेंस सबको याद हुआ कि नहीं, भूलोगे नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं अगला सेंटेंस क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि मेरी बात सुनो, क्या पूछ रहे, मेरी बात सुनो, तो क्या बोले, लिसन टू मी, लिसन टू मी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा बोला कि उसकी बात सुनो तो लिसन टू हिम, और हमारी बात सुनो तो लिसन टू हर। तो मी की जगह यहां बेटा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इस तरह से, और लिसन टू सर, सर की बात सुनो, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, बाकी बहुत सारे सेंटेंस में बन जाएगा। बात सबको क्लियर हुई? उसके बाद आगे देखिए, एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ भाई, एक तरफ हट जाओ, मैं आ रहा हूं, एक तरफ हट जाओ, गेट ए साइड प्लीज, कृपया, एक तरफ हट जाओ तो प्लीज लगा देंगे या कैंडल लगा देंगे, आपको पता है प्लीज का मतलब कृपया, तो एक तरफ हट जाओ तो प्लीज अ साइड, प्लीज गेट अ साइड, प्लीज गेट अ साइड, या प्लीज साइड, दोनों चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना हो गया, सबको याद हो गया होगा अच्छे से, बिल्कुल दोनों सेंटेंस बहुत ही नन्हे मुन्ने सिंपल से हैं, सबको याद हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है उसको चलते हैं और समझते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस बोल रहा है कि भाई शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, शोर मत करो, इस तरह से बोलते हैं अक्सर, तो शोर मत करो, नीचे है ऊपर है, शांति से बैठिए। अब ऐसा नहीं कि शांति के साथ बैठ गए तुम लोग, क्लास में देखा लड़की शांति है उसके साथ बैठ गए, नहीं, चुपचाप बैठो, इस तरह से मतलब होता है। तो क्या होगा, कीप क्वाइट, क्या होगा, कीप क्वाइट, अक्सर टीचर बोलते हैं आपको अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, शोर मत करो, तो डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइस, ये दोनों आपको आपको यूज नहीं करने होते हैं, याद कर लो, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप यूज बहुत कम करते हैं, यूज तो आपके टीचर्स करते हैं, यूज तो आपको पेरेंट्स करते हैं, आप लोगों के लिए, तो ये समझ लो, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं,
अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस अगला क्या बोल रहा है, पागल मत बनो बेटा, पागल मत बनो, अक्सर यूज किया जाता है पागल मत बनो, तुम ये मत काम करके पागल पागलपंथी कर रहे हो, तो पागल मत करो, पागल मत बनो, डोंट बी सिली, क्या बोल रहे हो बेटा, डोंट बी सिली, पागल मत बनो। अगला है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, भैया है ही, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बोलेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कई बार आपके एग्जाम में भी आ जाता है, हिंदी में दिया जाता है ये, और इसकी बनानी होती है इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन के लिए कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो याद रखना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बोलेंगे बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबको याद हुआ, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बोलो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेरी गुड, दोनों याद हो गई पक्का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और चलिए आगे देखिए, आगे बेटा, नेक्स्ट है आपके सामने, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बात यहां सबको समझ में आ रही है, होती है पांच उंगलियां बराबर होती है, नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसी तरह से लोगों की सोच है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबकी चाहत सबकी पसंद अलग अलग होती है, यही तो हमारी सृष्टि की खूबसूरती है कि सबको सब चीजें अच्छी लगती और सबको सब चीजें बुरी नहीं लगती। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक, इस तरह से बन जाएगा, जैसा करोगे वैसे भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो इस तरह के आपके बहुत सारे ये बोले जाते हैं, तो एज यू सो सो शैल यू रीप, सो होता है बोना, जैसे हम बीज बोते हैं उसको बोलते हैं सो, एस ओ डब्ल्यू, और रीप होता है काटना, तो जैसे भैया बोगे फसल वैसा ही तो काटोगे, इस तरह से ये बन गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां तक सबको याद हो गया होगा, सभी को याद हो गया है, चलिए बाकी वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो यदि कोई दिक्कत है किसी तरह की, बाकी आपके टीचर आपको समझा देंगे अच्छे से, जो भी क्लास ले रहे हैं टीचर्स वो आपको क्लास में समझा देंगे, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स की मदद कर दिया करो, जहां उनको डाउट होता है, जहां से उनको डाउट लगता है कि ये समझ में नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर दिया करो, उससे क्या होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों को, ठीक है, और उसके बाद उनको पीडीएफ भी आप लोग शो कर सकते हो, मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है, तो वेबसाइट में जाके आप पीडीएफ भी इसका देख सकते हो, सारे सेंटेंस का पीडीएफ है, आप लोग बाद में नोट कर सकते हो, इस तरह से आप बच्चों को याद करवा सकते हो। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो विल यू कोऑपरेट मी, क्या बोल रहे हैं, विल यू कोऑपरेट मी, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे, विल यू कोऑपरेट मी, तो यहां इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगना ही है, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, यहां सर दिल्ली को जाती है, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, अक्सर मुझसे सेंटेंस पूछा जाता था इसलिए मैंने लिखा है, अक्सर बच्चे पूछते थे सर ये रोड दिल्ली को रोड के लिए रोड जाने के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि कई लोग गो लगा देंगे, गो तो लगेगा नहीं, कि रोड वैसे तो नहीं जाती है चल के, रोड तो भैया लीड करती है, केवल मार्गदर्शन करती है, जाना तो हमें होता है, तो दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, इस तरह से क्या बोलेंगे, लीड्स, जैसे क्या बी लीड्स, बी लीड्स, याद रखना सब लोग याद कर लो, बी लीड्स बड़े काम की चीज है, आपको हर तरह की मदद मिलने वाली है यहां से, चाहे आप एसएसटी पढ़ना चाह रहे हो, चाहे साइंस, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, सारे तरह के हर तरह के वीडियो, हर तरह की क्लासेस, हर तरह की पीडीएफ और सारी बुक्स एनसीईआरटी की और सारे नोट्स आपको बी लीड्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इसकी आप चिंता ना करें, तो इसलिए बी लीड्स भूलना नहीं है, याद रखना, कभी भी जरूरत पड़े सर्च कर लेना गूगल पे, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, और ऐप डाउनलोड कर लेना बी लीड्स का। क्या तुम पागल हो गए हो, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरह से पूछ सकते हो, ये तो सब जानते ही है, सब तुम्हारी मेहरबानी है भाई साहब, सब तुम्हारी मेहरबानी है, अब कैसे बनाएंगे, सो काइंड ऑफ यू, क्या बोलेंगे बेटा, सो काइंड ऑफ यू, यदि ऐसा हुआ सब उसकी मेहरबानी है तो क्या करेंगे, सो काइंड ऑफ
हिम, ये सब हमारी मेहरबानी है, सो काइंड ऑफ अस, सो काइंड ऑफ देम, सब उनकी मेहरबानी है, उनके मतलब बहुत सारे लोगों की मेहरबानी है भाई, सो काइंड ऑफ गॉड, सब भगवान की मेहरबानी है, बोल सकते हैं कि नहीं इस तरह से, दोनों याद हुए कि नहीं, सबको याद हुए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है, अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है, और अगला सेंटेंस कुछ नहीं, आज हमने पढ़े 30 सेंटेंसेस, कितने लगभग 30 सेंटेंसेस आज डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे, 20 से 30 सेंटेंस हमने आज याद किए और आपको याद भी हो गए होंगे, आप इसको लिख लीजिए चाहे आप दिमाग में छुपा लीजिए, कैसे भी आपको याद रखने हैं और आपको याद होने चाहिए, क्लियर। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो मैंने बताया आप लोगों को कि आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, और हमारे ऐप पे जाकर वहां डाउट पूछ सकते हैं, और बाकी पीडीएफ नोट्स जो भी आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, क्लियर। आपको बस करना क्या है, आपको वीलीड से जुड़े रहना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को जितनी मदद हो पाएगी, बहुत ही आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा जो एनिमेटेड वीडियो, साइंस के एनिमेटेड वीडियो, आपको बताया जाएगा हार्ट की वर्किंग कैसे होती, कैसे हार्ट काम करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे उसमें ब्लड जाता है, कैसे आता है, सारी चीजें बात करेंगे, कैसे क्या होता है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ग्रह घूमते हैं, कितने टाइम में घूमते हैं, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे ज्वार भाटा आता है, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनो, ये सारी चीजें हम विजुअल फॉर्म में आपको दिखाने वाले हैं आने वाले टाइम में, इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बीलिट से जुड़े रहना है, हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जाए, और आसान शिक्षा दी जाए, आसान तरीके से शिक्षा दी जाए, और हर चीजों को आसान करके आपके सामने पेश किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।